जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे जो काफ़ी सिग्निफिकेंट और जो सक्सेसफुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी में ऐसे स्टार्टअप्स, उनको सो स्टार्टअप को लेकर एक सीरीज पूरी कर रहे हैं। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने देश को टारगेट दिया है $5 trillion की इकॉनमी बनने का 2025 तक। अब उस जो लक्ष्य है उसमें जो भी स्टार्टअप्स हैं या तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अभी कर रहे हैं या आगे कर सकते हैं, वो सारे स्टार्टअप्स हैं उनको मैं एक एक करके एनालाइज करूँगा। अब इसका जो क्राइटेरिया जो स्टार्टअप्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कौन से स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग ज़्यादा हो गई वगैरह वगैरह, बट ऐसे स्टार्टअप्स में उठा रहा हूँ जो भारत के लिए भारत स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, एक बड़े स्केल पर सॉल्व कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में भारत में बहुत बड़ा एक अच्छा जो पॉजिटिव जो बदलाव होता है वो लाने के सक्षम हैं जो। तो इन सारी बातों को लेकर आज का जो टॉपिक है वो है उड़ान, B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तीन मुख्य बातें उड़ान से रिलेटेड जो मैं आपसे करूँगा। पहला, उड़ान क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या है उड़ान। दूसरा, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं और क्या उनके सक्सेस फैक्टर्स हैं। और तीसरा, यहाँ से क्या है फ्यूचर, कहाँ जा सकता है उड़ान, कौन से और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व कर सकता है और किस तरह उड़ान भारत के जो स्टार्टअप वर्ल्ड है उसका एक बहुत चमकता हुआ सितारा बन सकता है अगले कुछ सालों में। तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। तो शुरुआत करते हैं उड़ान है क्या से, पॉइंट नंबर वन। सो ई कॉमर्स क्या होता है ये तो अब आप और हम लोग काफ़ी अच्छे तक समझ गए, जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेज़ॉन है। बेसिकली आप ऑनलाइन जाते हो, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग करते हो, घर बैठे आपको डिलीवरी आ जाती है। ये सारा जो 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 बिज़नेस मॉडल है ये ई कॉमर्स कहलाता है। तो उड़ान जो है यही काम कर रहा है, लेकिन B2C नहीं, मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स नहीं, B2B, मतलब जो भारत के जो दुकानदार हैं, जो छोटे और मध्यम साइज़ के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये क्या करते हैं कि जो लार्ज स्केल के जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स हुए या फिर फैक्ट्री प्रोड्यूस हुआ, इन लोगों से ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनको बोलते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से भारत के जो लाखों जो दुकानदार हैं उनको आप डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू ही सेल करो। इससे एक बेनिफिट होता है कि जो बिचौलिए जो होते हैं, जो बीच के जो ब्रोकर्स होते हैं, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो पोर्शन था, आप जैसे किसानों की बात करें तो किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है और अपनी जो फसल है उसको प्रोड्यूस करता था और उसके बाद वो वहाँ से लेकर मंडी तक पहुँचते इतने बिचौलिए होते थे कि अगर एक 100 रुपये का एक प्रोड्यूस है तो किसान को मिलता था 12 रुपये 15 रुपये और जो मैक्सिमम जो पोर्शन होता था वो बिचौलिए और उसके बाद आगे के दुकानदार ले जाते थे। तो ये अब इस तरह के जो B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि उड़ान, वो बिचौलियों का रोल ख़त्म करते हैं और जो आदमी एक्चुअल मेहनत कर रहा है उसको लेकर आते हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर। सो द इंटायर आइडिया इज़ कि जो जितने भी दुकानदार हैं, छोटे बड़े जो दुकानदार हैं, अब उनको जाकर होलसेल का जो सेट है उससे सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट udaan.com पे जाते हैं, वहाँ से जाकर जो भी उन्हें ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। पॉइंट नंबर दो पे अगर हम आते हैं तो ये जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं वो ये था ऑब्वियसली कि इंडिया के अंदर में एक उधार का काफ़ी कल्चर है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप जो कोई भी बिज़नेस है वो उनके जो कैश फ्लोज होते हैं वो इसी तरह मैनेज करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई आपने अगर कोई भी सामान जब आप ख़रीद रहे हो किसी होलसेल वाले जो सेट से, तो जब तक वो सामान बिकेगा नहीं आप उसका पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपके पास उतने पैसे तो होते नहीं है। ये जो लिक्विडिटी का जो एक क्रंच है ये इंडियन इकॉनमी में हमेशा से रहता है। तो उड़ान इसको भी सॉल्व कर रहा है, वो 15 दिन से 30 दिन का शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं या जो क्रेडिट टाइम होता है वो प्रोवाइड करता है। तो इससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। अब उसके अलावा जो जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है क्योंकि ये काफ़ी लार्ज स्केल पे ये लोग जाते हैं डायरेक्ट या तो किसान से, डायरेक्ट फैक्ट्री से, वहीं से सारा सामान खरीद के और जो एंड में जो दुकानदार है जो बेचने वाला है उसको ये डायरेक्ट बेच देते हैं। अब इसमें सबसे मज़ेदार या जो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है वो ये है कि
जो बाकी के इंडिया के जो बड़े बड़े इंटरनेट कंपनीज आप देखेंगे, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ोन हो, चाहे ओला हो, ओयो हो, इनकी ज़्यादा सक्सेस होती है चार या पांच जो बड़े मेट्रोज़ हैं। लेकिन उड़ान में एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी एक जो डिफरेंट करती है बाकी सारे जो इंटरनेट स्टार्टअप्स हैं उनसे, वो यह है कि इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रही है जो जो रिलेटिवली जो पिछड़े जो राज्य होते हैं जो इंटरनेट इकॉनमी के लिए जाने नहीं जाते, जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, तो यहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं अब उड़ान की मदद से अब वो घर बैठे ही अपने मोबाइल के थ्रू पंजाब में या बाहर इंटरनेशनली भी अगर बात करें तो वहाँ का सीधा जो माल है होलसेल के रेट पे खरीद पाते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो स्टार्टअप है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है भारत को, मतलब भारत सिर्फ चार मेट्रोज या पांच मेट्रो में भारत नहीं होता है, भारत वो जगह है जो जहाँ पर you know, हज़ारों सिटीज़ हैं और जहाँ पर लोग अंग्रेज़ी भी उतनी नहीं बोलते हैं, तो उस वाली जो पॉपुलेशन है उसके लिए क्रिएट किया हुआ एक बिज़नेस मॉडल है और ये काफ़ी भारत स्पेसिफिक है और ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। अभी तक बताते हैं कि इन्होंने 700-800 मिलियन डॉलर्स, मतलब अगर INR में कन्वर्ट करता हूँ तो 4.5-5 हज़ार करोड़ रुपए अराउंड की फ़ंड रेज कर चुके हैं। बड़े नामी गिरामी जो बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटल जो फंड्स हैं वो इनको बैक कर रहे हैं और ये लोग भी जो फाउंडर्स हैं, ये तीन फाउंडर्स थे, तीनों फाउंडर्स फ्लिपकार्ट जो भारत की आई थिंक सबसे बड़ी पोस्टर बॉय रही है अभी तक इंटरनेट स्टार्टअप्स की, वहीं से आए हैं। वहाँ पर इन्होंने नौकरी करते थे तीनों और इनको लगा कि ये एक जो प्रॉब्लम है इसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व करेंगे। और ये स्टोरी भी बहुत ही मज़ेदार है, जब ये फ़ंड भी रेज़ नहीं कर रहे थे, जब ये पैसा रेज़ नहीं करना चाहते थे, उस टाइम पे एक अमेरिकन फ़ंड है लाइट स्पीड पार्टनर्स, उन्होंने आकर इनकी फ़ंडिंग कर दी, जबकि ये लोग बहुत एक्टिवली सीख भी नहीं कर रहे थे। और 2-2.5 साल के अंदर ही यूनिकॉर्न स्टेटस, मतलब $1 बिलियन, मतलब 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन होती है उसको इन्होंने 18-24 महीने के अंदर ही क्रॉस कर लिया। तो बहुत ही इससे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो ये है कि अगर आप अमेरिकन कंपनीज़ या चाइनीज़ कंपनीज़ या वेस्टर्न कंपनीज़ उसको कॉपी पेस्ट करने की जगह भारत के स्पेसिफिक अगर आप प्रॉब्लम्स उठाते हो और अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, ऐसे कौन से फ्यूचर डोमेन्स हैं जिसमें ये लोग बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फिनटेक, मतलब जो SME स्पेस जो है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो इंटरप्राइज हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच हमेशा रहेगा। भारत ऐसी इकॉनमी है जहाँ पर जिसके पास भी जितना भी कैश होता है उसको वो री इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो ग्रोथ कर सकें, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है तो लिक्विडिटी क्रंच हमेशा रहेगा। तो ये अपने आप में एक B2B प्लेटफॉर्म तो है और ये रहेगा एक एक्साइटिंग, पर और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो इनकी लोन बुक, मुझे लगता है कि आगे चलकर जो ये जो क्रेडिट पीरियड्स हैं ये 15 दिन से जो 30 दिन का अभी है ये बढ़ाकर ये हो सकता है और लंबा करें, ताकि जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो अपना धंधा और बढ़ा कर सकें, बड़े से बड़ा कर सकें। और इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनका जो कंपेयर टू लेट्स से जो B2C बिजनेसेस थे उसके कंपैरिजन में इनके जो लॉसेस हैं वो भी हमेशा कम रहेंगे। तो ये कंपनी आगे चलकर काफ़ी बड़ी बन सकती है। मुझे लगता है कि इंडिया के आज से अगर 10 साल बाद बात करें तो हो सकता है ये इंडिया के सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी भी बनकर निकल कर आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव खरे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और स्टार्टअप्स उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या वो कर रहे हैं और उसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल हो सकती है। सो प्लीज़ कंटिन्यू गिविंग योर सपोर्ट टू अस। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना